तो दोस्तों नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप लोग अपना आयुष्मान कार्ड कैसे बना सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपना उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, उसका KYC का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी आयुष्मान कार्ड बनाना चाहते हैं, उसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और एक प्यारा सा लाइक दें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर में आ जाएंगे। यहाँ से आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आ जाइए। सबसे पहले हम अपना प्ले स्टोर खोलेंगे मोबाइल का। यहाँ से हम लोग प्ले स्टोर में आ जाएंगे। प्ले स्टोर में हम लोग सर्च करेंगे, एक एप्लीकेशन आती है आयुष्मान का, आयुष्मान ऐप। जी हाँ दोस्तों, इस ऐप से आप सारा काम वो कर सकते हैं आयुष्मान का। यहाँ आपको इस इंस्टॉल कर लेनी है। मैंने इंस्टॉल कर लिया है, अब आपको ओपन करनी है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, PMJ, तो इसको ओपन कर लेनी है। अब थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो दोस्तों एप्लीकेशन खुल चुकी है। यहाँ देखिए लिखा, अब आयुष्मान कार्ड बनाना हुआ और भी आसान। जब अब लाभार्थी अपने आयुष्मान कार्ड को आयुष्मान ऐप की सहायता से स्वयं बना सकते हैं, 5 लाख तक मुफ्त इलाज। जी हाँ दोस्तों, इस कार्ड से बनाने से आपको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलती है, चाहे ऑपरेशन हो चाहे इलाज हो, उसमें छूट मिलती है। तो हम लोग सबसे पहले क्लिक करेंगे MI एलिजिबल, या हम लोग करेंगे RU ऑपरेटर। हम लोग तो MI एलिजिबल पहले चेक करेंगे। यहाँ से लैंग्वेज क्लिक कर देंगे इंग्लिश। उसके बाद यहाँ लॉगिन क्लिक कर देंगे। आपको सबसे पहले बेनिफिशियरी भी क्लिक करना है, क्योंकि आपने आपको कुछ पता नहीं है। तो आप सबसे पहले बेनिफिशियरी के क्लिक करेंगे। देखिए ये हम लोग बेनिफिशियरी पे क्लिक कर दिए। यहाँ पे हम लोग अपना कैप्चा डालेंगे। सबसे पहले कैप्चा दिखा रहे हैं हम, 3XN5X। और यहाँ हम लोग अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। और यहाँ हम लोग ऑथेंटिकेटर अपना मोड डालेंगे, OTP से वेरीफाई करने। तो चलिए दोस्तों हम अपना मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग अपना मोबाइल नंबर डाल दिया और OTP आ गया, OTP वेरीफाई कर दिए और यहाँ कैप्चा भी हम लोग डाल दिए हैं। अब हम लोग यहाँ से लॉगिन करेंगे। यहाँ से हम लोग लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा। ऐसे ही जैसे ही आपने लॉगिन क्लिक कीजिएगा, थोड़ा प्रोसेसिंग मिलेगा। तो दोस्तों ये खुल चुकी है। देखिए यहाँ पर लिखा है सर्च फॉर बेनिफिशियरी। आपको यहाँ अपना आयुष्मान कार्ड सर्च करना है। अगर आपका राशन कार्ड आप यूज करते हैं तो उसमें आपका नाम होना ज़रूरी है। राशन कार्ड से ही आयुष्मान कार्ड बनती है। अगर आप राशन कार्ड धारी हैं तभी आप ये इसका लाभ उठा पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग स्कीम चुनेंगे। तो सबसे पहले PMJ चिल, क्योंकि प्रधानमंत्री का योजना है ना, तो PMJ यूज करेंगे। यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जो भी आपका स्टेट हो। थोड़ा इस ऐप में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप लोग थोड़ा पेशेंस बनाइएगा। यहाँ आपको स्कीम, सब स्कीम चुननी है। यहाँ पे आप लोग को चुननी है PMJ। यहाँ भी प्रधानमंत्री जो योजना है उसी पर क्लिक करनी है, PMJ। अब यहाँ आपको चुनना है सर्च बाय। कैसे अपना चेक करना है, फैमिली आईडी से, PMJ आईडी से, जो भी आपका डिटेल। मैं तो कहता हूँ आप आधार नंबर डालिए, आपका आधार नंबर से ही मालूम हो जाएगा। यहाँ आप अपना डिस्ट्रिक्ट चुनिए, यहाँ आपका आधार नंबर डालिए। यहाँ पर आपका आधार नंबर डाल के कैप्चा डाल के सर्च क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आधार नंबर डाल देता हूँ। मैंने आधार नंबर डाल दिया, अब एक कैप्चा डाल देता हूँ, H7F।
सब मैंने डाल दिया। यहाँ आपको सर्च कर देना है, यहाँ आपको अब सर्च पे क्लिक कर देनी है। अगर आपको लिस्ट में नाम होगा तो यहाँ शो कर देगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, थोड़ा सा ऐप थोड़ा टाइम देता है। तो ये प्रोसेसिंग में चला गया, अब थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ये आप कैप्चा मांग रहा है दूसरा। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर हम लोग का सारा डिटेल आ गया, जो भी हम लोग का आयुष्मान कार्ड है आपको डाउनलोड करना है, चाहे इसका फिर से बनाना है तो डू eKYC पे क्लिक करनी है, चाहे आपको डाउनलोड करना है तो जैसे देखिए मैं अपना यहाँ आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। डाउनलोड कार्ड, डाउनलोड कार्ड पर क्लिक करूँगा, डाउनलोड कार्ड पर क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा। आधार नंबर आपको OTP वेरीफाई करनी है, देखिए यहाँ से आधार OTP करके अपना आधार नंबर वेरीफाई कर लेना है, यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है, अलाउ कर लेनी है। फिर आपको एक आधार OTP मिलेगी, आधार OTP और मोबाइल OTP दोनों जाएगी। आधार OTP चला गया 794057 7 9 4 0 5 5 7 7 9 4 0 5 5 7। एक मिनट, ये आधार OTP नहीं है, ये तो ये आधार OTP नहीं, आधार OTP ये है 7 9 8 0 7 3 7 3। यहाँ आपको मोबाइल OTP डालनी है, इसका ध्यान दीजिएगा, मोबाइल OTP और आधार OTP दोनों अलग है। देखिए मोबाइल OTP है 7 9 4 0 5 7 7 9 7 9 4 0 7 9 4 0 5 7 7 डाल लेनी है आपको OTP। OTP आप वेरीफाई कर लेना है यहाँ से। यहाँ पर हम लोग सक्सेसफुल वेरीफाई कर लिए हैं, अब आप कार्ड डाउनलोड करने के लिए रेडी हैं। प्रोसीड टू क्रिएट क्लिक करना है, कुछ देर में खुलेगा। यहाँ अब डाउनलोड कार्ड का ऑप्शन आ गया है, थोड़ा सा वेट करिए। देखिए आप यहां से कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, यहां से आपको डाउनलोड का डाउनलोड पर क्लिक करनी है। देखिए डाउनलोड हो गया कार्ड, यहां से आपको ओपन करके देख लेनी है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपना कार्ड बना सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। यह मेरा कार्ड डाउनलोड हो गया, आयुष्मान कार्ड। थैंक यू सो मच वीडियो बने रखिए, एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय, गुड बाय, थैंक यू।